स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल नीट काका जी पर तो बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था जिसमें कि बहुत सारी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की थी और उसके बाद फिर एलिमेंट्री न्यूमेरिकल्स को किया था आज हम लोग मूव इन करेंगे कुछ बेटर न्यूमेरिकल्स पे ठीक है ना और इसके कंसेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे ऑल्सो हम लोग हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की स्टडी करेंगे ठीक है सो वो सारी चीजें भी करेंगे लेकिन उससे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ठीक है तो लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग न्यूमेरिकल में मूव करें डायरेक्टली उससे पहले मैं कुछ और ये जो चीजें पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी उसको मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स पे मूव इन करें तो कुछ हमारा कनेक्शन हो िकल सब पियर कहां से हो रहे हैं, ठीक है ना तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन पढ़ा था बहुत ही सिंपल सी चीज है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन क्या बोलता है कि वाई एक्सिस का जो मोशन है वो एक्स एक्सिस से इंडिपेंडेंट होता है और एक्स एक्सिस का जो मोशन है वो वाई एक्सिस से इंडिपेंडेंट होती है वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं वही सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी लिखी थी आप लोगों के सामने फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए मैंने जो चीज़ें डिराइव की थी आप लोग के लिए वो ये था कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है ज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होती है एंड डिसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है तो उसके लिए बेसिकली यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है दिस इज एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो कि टाइम का फंक्शन होता ही नहीं है क्योंकि एक्सलेशन तो कॉन्स्टेंट होता है देन वेलॉसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इसमें कुछ करना नहीं होता है एक्स की अलग वेलॉसिटी लिख लो वाई की अलग लिख लो दोनों को वैक्टर फॉर्म में एड करके लिख दो यही करना होता है तो दिस इज वेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और फिर यहां पर हमारे पास है डिसप्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे के पूरे डिस्कशन में तो जो हमारा एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है माइनस जी कैप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है इट इज मॉड ऑफ यू कॉस्थीटा आई कैप्लस माइनस जी टी जे कैप एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है इट इज मॉड ऑफ यू कॉस्थीटा इंटू टी आई कैप प्लस मॉड ऑफ यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क् जे कैप मतलब यहां एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन वाला यूज करना होता है यहाँ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको यूज करना होता है ठीक है तो ये सारी चीजें डिराइव कैसे हुई हैं तो यहां पे पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन शो किया गया है हालांकि इस पेज पे ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी ठीक है उसके बाद यहां पे बहुत अच्छे से आप लोग अगर पिछले वाले एपिसोड को आप देखोगे तो मैंने सारी चीजें बड़ी बड़ी लिख करके डिराइव की थी फिर एक पेज में इसको कंप्रेस किया था अगर आप रेजोल्यूशन को इनक्रीज करके और इसको देखना चाहो तो देख सकते हो हालांकि जो फाइनल रिजल्ट था वो यही था कि किसी भी टाइम पर देखो इस पेज पे दो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे पहले वो ये था कि हमने पिछले पेज पे तो ये देखा कि वेलॉसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम हालांकि एक्सेलरेशन नहीं होती फंक्शन ऑफ टाइम एंड देन डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये होते क्या है पेज पे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो जी होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ये जो एक्स कॉम्पोनेंट है और ये जो वाई कॉम्पोनेंट है अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए भी उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है और जो वाई कॉम्पोनेंट है इसको स्क्वायर करके आप अंडर रूट ले लो इसको ठीक है ना तो ये हमारे पास इस पेज पे इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज अ फ़ंक्शन ऑफ टाइम क्या होती है प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी यहां पे और दो बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो थी कि किसी भी टाइम टी पर हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा तो किसी भी टाइम टी पर जो वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है इट इज टैन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन मॉड ऑफ यू कॉस् थीटा अब ध्यान देने वाली बात है ये चीजें यहां पर खैर लिखी हुई भी है लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर मॉड ऑफ यू साइन थीटा जी टी से बड़ा हुआ तो एंगल पॉजिटिव आएगा यानी वेलोसिटी वेक्टर इधर ऐसे ऊपर की ओर होगी अगर मॉड ऑफ यू साइन थीटा जी के बराबर हो गया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा एंगल जो होगा वो जीरो हो जाएगा इसका मतलब वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी और हॉरिजॉन्टल हो होती कहाँ है मैक्सिमम हाइट पे यानी कि यू साइन थीटा जब जी के बराबर हो जाता है तो उस वक्त पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होती है यहां से टाइम टेकन टू तो रीच द मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे यू साइन थीटा इक्वल टू जी तो टी इक्वल टू मॉड ऑफ यू साइन थीटा बाई जी ठीक है उसके बाद एंगल मेड बाई पोजीशन वैक्टर या उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी अपन मॉड ऑफ यू कॉस्थ थीटा ठीक है ना तो कभी आपसे ये पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब हॉरिजॉन्टल हो जाता है हालांकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है जो प्रोजेक्टाइल को लिंक करता है ओरिजिन के साथ तो वो तो कब हॉरिजॉन्टल होगा जबकि प्रोजेक्टाइल जाके गिर जाएगी वापस तो गिर जाएगी तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ठीक है ना और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जब गिर जाएगी तो यानी कि आप इससे यहां से क्या पता लगा सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट गिरने में कितना समय लगा है तो उसके लिए क्या लिखोगे मॉड ऑफ यू साइन थीटा को हाफ जी टी के बराबर होना पड़ेगा और मॉड ऑफ यू साइन थीटा हाफ जी टी के बराबर होगी तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो टू यू साइन थीटा बाय जी एंड दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है ना तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था उस चीज को यहां पे समझाया भी गया है कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज यू साइन थीटा बाई जी और बताया भी गया है कि वेलोसिटी वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल हो जाती है तब वो मैक्सिमम हाइट पे होती है और उस समय टाइम टू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होती है आ वो हॉरिजॉन्टल तब होती है जबकि पार्टिकल आकर के ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाता है और उसको अगर आप फीड करोगे इस फॉर्मुले में तो दिख जाएगा कि टी की वैल्यू टू यू साइन थीटा बाई जी है ये सब कल की एपिसोड में मतलब पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ इट्स स्पीड इज मिनिमम ठीक है ना तो वो कौन सा पॉइंट है तो स्पीड मिनिमम कहां पर होगा तो उस चीज को भी आप लोगों को समझाया था यहाँ पे पिछले पेज में ठीक है ना कि जो हमारी स्पीड होती है वो तब मिनिमम होती है जब ये वाला कॉम्पोनेंट जीरो हो जाए क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही जीरो हो सकती है ये वाला कॉम्पोनेंट स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ठीक है ना इंस्टेंटेन ऑफ इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड हालांकि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड नहीं होता है वो सारी चीजें हम काइनेमेटिक्स में देख चुके हैं तो मॉड ऑफ यू कॉ थीटा इज ये तो कांस्टेंट है लेकिन मॉड ऑफ यू साइन थीटा माइनस जीटी जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिनिमम होगी होगा हो 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 मतलब हो हो इस चीज को अभी हमने देखा था जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता तो मॉड ऑफ यू साइन थीटा जी के बराबर होती है और वेलोसिटी बिल्कुल आ, हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाती है ठीक है ना तो मिनिमम वेलोसिटी कहां पर एग्जिस्ट करती है जब पार्टिकल कहां पर हो अपने मैक्सिमम हाइट पे हो तो वही चीज है क्वेश्चन के अंदर कि भाई स्पीड मिनिमम कहां होगा यानी कि ऑफ वेलोसिटी मिनिमम कहां होगी तो दैट इज स्पीड इज मिनिमम एन द पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम हाइट और सेकंड पॉइंट ये पूछ रहा है कि फाइंड वेलॉसिटी वेन इट द स्टोन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन वन इट्स लाइन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल थीटा विथ हो तो स्टोन का मान लो लाइन ऑफ एक्शन देखो लॉन्च तो ये थीटा नॉट पे हुआ है लेकिन बोल रहा है कि जब इसका लाइन ऑफ मोशन जो है वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो उस वक्त देखो एक बात प्रोजेक्टाइल में हमेशा ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले वाले एपिसोड को रिवाइज करा रहा हूं ठीक है ना तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेट ऑफ वेलोसिटी शुरुआती दौर में मॉड ऑफ वी नॉट कॉस थीटा नॉट हो जाएगी और इस वक्त कितनी हो जाएगी मॉड ऑफ वी कॉस् थीटा हो जाएगी और क्योंकि इन दोनों को क्या रहना है कांस्टेंट रहना है मतलब कि मॉड ऑफ नॉट थीटा नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ वी कॉस्ट थीटा रहना है तो मॉड ऑफ वी हो जाएगा मॉड ऑफ वी नॉट कॉस्ट थीटा नॉट डिवाइडेड बाई कॉस्थ थीटा ठीक है ना तो इस चीज को हम लोग यहां से बहुत ईजिली समझ सकते हैं अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग आगे यहां पे और ये चीजें वही आपको समझाई गई हैं टाइम टेकन टू तो रीच द मैक्सिमम हाइट एक्सेट्रा ठीक है ना इसको दूसरे तरीके से अब डिराइव किया गया है जिस तरीके से जनरली डिराइव करते हैं पहले तो मैंने एंगल वाले तरीके से डिराइव कर दिया था अब ये जो डिरीवेशन है वो ये मान करके है कि वीवाई इक्वल टू तो यूवाई प्लस एवाई इंटू टी होगा भाई एक्स एक्सिस पे भी यूज कर सकते हो वाई एक्सिस पे भी यूज कर सकते हो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी को तो वाई एक्सिस पे यूज करोगे तो वीवाई इक्वल टू यूवाई प्लस ए वाई इंटू टी होगी अलॉन्ग वाई एक्स वीवाई की जगह पे आप जीरो रखोगे यूवाई की जगह पे मॉड ऑफ यू साइन थीटा जे कैप और एवाई की जगह पे जी इंटू माइनस जे कैप इंटू टी लिखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू मॉड ऑफ यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगी वीवाई जीरो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जो वाई कॉम्पोनेट ऑफ वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है, है ना और एक बात और है यहां पे देखना कि जो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट होता है उतना ही टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में अगर एयर ड्रैग एब्सेंट है तो टाइम एंटायर टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो इट इज टू इन टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट सो इट इज टू यू साइन थीटा बाई जी उसको एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको यहां पर समझाया गया है कि, कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहती है प्रोजेक्टाइल में चाहे यहां देख लो यहां देख लो यहां देख लो यहां देख लो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम होगी लेकिन वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती जाती है जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है या नीचे आता है लेकिन सेम हाइट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेट ऑफ वेलोसिटी भी सेम होती है सेम हाइट पे मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तो उल्टा होगा भाई ऊपर जा रही है तो मैग्नीट्यूड ऊपर जा रही है तो वाई कम्पोनेंट ऊपर होगा नीचे आ रही है तो वाई कॉम्पोनेंट नीचे होगा लेकिन सेम हाइट पे उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन उल्टा होगा तो इनिशियली अगर वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो थी से दैट इट वॉज मॉड ऑफ यू साइन थीटा या यू साइन थीटा तो फाइनली जब स्ट्राइक करेगी यहां पर तो सेम हाइट है क्योंकि तो उस वक्त जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वो माइनस यू साइन थीटा हो जाएगी तो उस चीज को भी यूटिलाइज करके यहां पे कैलकुलेट कर लिया गया है कि अप्लाइंगीवाई इक्वल टू यूवाई प्लस एवाई इन टू टी तो जो फाइनली लिखा हुआ है माइनस मॉड ऑफ यू साइन थीटा जे कैप लिखा हुआ है और इनिशियली है मॉड ऑफ यू साइन थीटा जे कैप और एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस जी जे कैप लिखा हुआ है इनटू टी सॉल्व किया टी की वैल्यू टू यू साइन थीटा बाई जी तो ऐसे भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है <laughs> अब यहां पे अगर हम आगे प्रोसीड करें ठीक है ना तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर एच मैक्स आपको कैलकुलेट करने बोले कि वॉट इज कैलकुलेट करने बोले तो एट एच मैक्स वीवाई की वाई डॉट एच मैक्स या तो आप इसको अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो या तो वाई इक्वल टू यूवाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू एवाई इंटू टी स्क्वायर क्योंकि टी तो पता चल गया हमें एच मैक्स तक पहुंचने का तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ज्यादा कन्वीनियंट है तो दैट एच मैक्स वी वाई जीरो रख दिया यू वाई तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होती है तो मॉड ऑफ यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए वाई ए वाई की जगह पे माइनस जी इंटू एच मैक्स उधर ले गया तो एच मैक्स की वैल्यू यहां से आ गई मॉड ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जिसको सिंपली लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लेकिन यू साइन थीटा हमारी क्या होती है तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो उसको यू भी, भी बोलते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ठीक है ना और इसी चीज को हम लोग और किससे कैलकुलेट कर सकते थे y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर इसको अगर हम लोग अप्लाई करते तो यहां से भी ये कैलकुलेट हो जाता ठीक है ना अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें अगर तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं तो एक एंगल को अगर आप थीटा लोगे तो दूसरा नाइनटी माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं तो एक थीटा दूसरा वन एटी माइनस थीटा हालांकि यहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की चर्चा हो रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर थीटा एंड नाइन्टी माइनस थीटा तो अगर आपसे टी वन बाई टी टू पूछे यानी कि टी एट थीटा पूछ रहा है थोड़ा इसको ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा यानी कहा पूछ रहा है टी एट थीटा इज टू टी एट नाइन माइनस थीटा पूछ रहा है तो थीटा पे लिखोगे यू साइन थीटा बाई जी एंड नाइनटी माइनस थीटा पे लिखोगे यू साइन नाइन्टी माइनस थीटा बाई जी तो यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा आपका आंसर टैन थीटा हो जाएगा इसके एग्जाम्पल्स के भी थ्रू मैंने समझाया था कि टी एट थर्टी डिग्रीज इज इक्वल टू फाइव सेकेंड्स है तो टी एट सिक्सटी डिग्रीज कितना हो जाएगा अगर फिफ्टी थर्टी डिग्रीज पे लॉन्च किया तो पांच सेकंड है तो सिक्सटी डिग्रीज पर लॉन्च करोगे तो कितना होगा तो लिखोगे टी एट थर्टी अपॉन टी एट सिक्सटी इक्वल टू टेन थर्टी इस बात को ध्यान रखना जो न्यूमरेटर का एंगल होता है वही एंगल इस साइड पर आता है तो टैन थर्टी हो जाएगा तो फाइव बाई टी एट सिक्सटी इक्वल टू थर्टी कितनी होती है वन बाई रूट थ्री हो जाती है पता आप लोगों को ये तो तो पता होगा ना तो टी टू रूट ठीक है as simple as this. अब नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे ये यह सारी चीजें पिछले एपिसोड में बिल्कुल लिख लिख करके समझाइए मैं कोई पीपीटी नहीं यूज करता हूँ क्योंकि फिजिक्स में पीपीटी एक बार सामने आ जाती तो मजा नहीं आता फिजिक्स में वह तभी मजा आता जब टीचर लिख लिख करके आपको पूरा समझाता है इसलिए सब कुछ बिल्कुल लिख करके समझाता हूँ यहाँ पे यह बहुत ही अच्छा एक डेरिवेशन था वो ये था कि मान लीजिए कि आपको ए से लेकर के पॉइंट पी तक ये हमारे पास पॉइंट पी है ए से लेकर पी तक पहुंचने में टाइम अगर टी वन लगा है और पी से लेकर के बी तक आने में अगर हमारे पास टाइम टी टू लगा है तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि हाइट ऑफ पॉइंट पी क्या होगी तो एक बात तो आपको पता है कि टी वन और टी टू दोनों मिलकर किस के किसके बराबर हो जाएंगे तो टी वन और टी टू दोनों मिलकर के टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएंगे भाई वही तो बात है ना यहां से यहां तक टी वन यहां से यहां तक टी टू तो टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू तो किसके बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट

ठीक है ना तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू जो आ जाएगी हाफ जी टी वन टी टू तो ये बहुत ज्यादा अच्छा डेरिवेशन है एग्जाम में डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि अगर किसी पॉइंट ए से पॉइंट पी तक जाने में टाइम टी वन लगा है पॉइंट पी से पॉइंट बी तक आने में टाइम टी टू लगा है तो जो एच होती है इट इज हाफ जी टी वन टी टू हाइट ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू ठीक है ना इस बात को ध्यान रखना जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट क्या होती है अगर आपको पत्थर पकड़ा दिया जाए और बोला जाए कि पूरा ताकत लगा दो लेकिन आपको मैक्सिमम हाइट गेन करनी है रेंज वगैरह से कोई मतलब नहीं तो किधर फेंकोगे सीधा ऊपर पूरी की पूरी ताकत आप ऊपर लगा दोगे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट तब अटेन होती है जब हम डायरेक्ट वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं लेकिन वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं और अर्थ के रोटेशन वगैरह को इग्नोर कर दे तो वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो नीचे भी बिल्कुल वर्टिकली आती है तो हमारी जो रेंज हो जाती है वो जीरो हो जाती है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट के केस में रेंज जीरो होती है क्योंकि जहां से फेंकते हो लौट कर वहीं आ जाती है वो ठीक है ना लेकिन एब्सल्यूट मैक्सिमम हाइट अगर आपको गेन करना है तो सीधा 90 डिग्रीज पे फेंकना होगा अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क् साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी और थीटा को 90 रखोगे तो यू स्क्र साइन स्क्वायर नाइनटी बाई टू जी यानी यू स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा तो अगर आपको बोला जाए पूरा ताकत लगा करके फेंको तो आप कितनी हाइट तक फेंक सकते हो यू स्क्वायर बाई टू जी यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट जो होती है वो क्या हो जाती है यू स्क्वायर बाई टू जी अब अगर आपसे बोलता है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड्स एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर आपने थीटा पे फेंका और 90 माइनस थीटा पे फेंका दो बार मतलब एक बार थीटा पे फेंका और एक बार 90 माइनस थीटा पे फेंका तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाए मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट नहीं हाइट मैक्सिमम हाइट जो इन केसेस में अटेंड होगी उनका रेशियो क्या हो जाएगा एच एट थीटा पॉन एच एट नाइन्टी माइनस थीटा सिंपली टैन स्क्वायर थीटा होगा ही नहीं होगा क्योंकि ऊपर आप क्या लिखोगे देखो यहां से आपको दिख जाएगा ऊपर लिखोगे यू स्क्र साइन स्वयर थीट बाई टू जी और नीचे लिखोगे यू स्क्वयर नाइन्टी माइनस थीटा बाई टू जी अब साइन स्क्वर नाइनटी माइनस थीटा जो है कॉ स्क्वर थीटा हो गया तो यू स्क्र बाई टू जी तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया साइन स्क्वर थीटा बाई कॉ स्क्टा इसकी वैल्यू टेन स्क्वर थीटा आ गई थीटा पॉन एच आट नाइनटी माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टेन स्क्वर थीटा हो जाएगी ठीक है अब नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग ये बोल रहा है विच ऑफ द पाथ पाथ वन और पाथ टू ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैज मोर टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें कौन से पाथ में ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो किस पे डिपेंड करती है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था तो टू यू साइन थीटा बाई जी और यू साइन थीटा हमारी यू कॉम्पोन वाई कॉम्पोनेट ऑफ वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी ठीक है ना तो टू बाई जी तो कॉन्स्टेंट है टू बाई जी कॉन्स्टेंट है इंटू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखी हुई है तो जिसकी वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगी ये क्लियर है और एक और बात पता है कि जो हमारी मैक्सिमम हाइट आती है वो भी क्या आती है यूवाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी तो यहां पे क्योंकि मैक्सिमम हाइट्स बराबर हैं, यानी कि यूवाई दोनों की बराबर है और यूवाई दोनों की बराबर है तो दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगी अगर मैक्सिमम हाइट सेम होते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स भी सेम होते हैं इस बात को ध्यान रखना आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को रेंज से कोई मतलब नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा अगर मैक्सिमम हाइट अटेंड सेम होगी ठीक है ना इसमें दोनों की जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलॉसिटी है वो सेम रही होंगी और उसी पर टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलॉसिटी ऑब्वियसली पाथ टू की ज्यादा रही होगी तभी वो ज्यादा दूर तक गई है सेम समय में तो आप ये मत समझना कि क्योंकि प्रोजेक्टाइल टू ज्यादा दूर तक गई है तो इसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी या इसकी ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगी ऐसा नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है क्योंकि हाइट दोनों ने सेम गेन किया है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हाइट से डायरेक्टली रिलेटेड है ठीक है ना अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग तो नेक्स्ट है रेंज तो रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन कवर कराता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी यूएक्स इंटू टी लिख है मॉड ऑफ यू को थीटा और टी हमने अभी कैलकुलेट किया टू इंटू मॉड ऑफ यू साइन थीटा तो यहाँ पे टू इंटू मॉड ऑफ टू को आगे ले लो टू इंटू मॉड ऑफ यू कोटा बाई जी है तो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ यू यू को यूएक्स लिख सकते हो यू साइन थीटा को यूवाई लिख सकते हो तो टू इंटू यू एक्स इंटू यूवाई बाई जी ये हमारी रेंज होती है ठीक है ना अब यहीं से आप इस चीज को यहां से ऐसे और लिख सकते हो यहां से अगर आप यहां पहुंचो तो तो यहां पे u इंटू यू हमारा क्या हो गया मॉड ऑफ यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू थीटा बाई जी लिखा है यहां u स्क्वायर होगा ऑब्वियसली तो इट इज मॉड ऑफ यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस्थीटा बाई जी पर टू साइन थीटा कोसथ थीटा किसके बराबर होता है साइन टू थीटा के यानी कि जो रेंज की वैल्यू आ जाएगी सो रेंज इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा बाई जी मॉड ऑफ यू स्क्वायर है

थीटा 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 के बराबर है तो sin theta, sin theta कट गई U square, U square कट गया टू टू कट गया जी जी कट गई कि जो रेंज होता है थीटा पे वही रेंज होता है थीटा पे ठीक है ना इस बात को समझना रेंजेस द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम क्या टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अटेंड भी सेम होती है नहीं वो नहीं होती है सेम तो यहाँ पे मान लो मैंने दो प्रोजेक्टाइल फेंका एक ये ब्राउनिश लाइन है और एक ग्रीनिश लाइन है हमारे पास ये दो प्रोजेक्टाइल है एक को 90 ये ब्राउनिश लाइन को थीटा पे फेंका है और जो ग्रीनिश वाली है उसको 90 माइनस थीटा पे मैंने फेंका है ठीक है ना तो अगर मैं लिखू टी एट थीटा अपॉन टी एट 90 माइनस थीटा तो उसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी टेन थीटा आ जाएगी टी एट थीटा अपॉन टी एट नाइनटी माइनस थीटा उसकी वैल्यू टेन थीटा आ जाएगी एच एट थीटा और एच एट नाइन्टी माइनस थीटा का रेशियो लू तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा अभी डिराइव किया था लेकिन आर एट थीटा और आर एट नाइनटी माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकते हो तो रेंजेस बराबर होती है ठीक है ना तो ये बात जाननी है अब ये बोल रहा है क्वेश्चन ग्रास ओवर कैन जम्प टू अक्सिम हाइट इस क्वेश्चन पे लौटेंगे ठीक है ना पहले और आगे रेंज का डिस्कशन कर लेते हैं तो यहां पे देखो कि टी एट थीटा इंटू टी एट नाइन माइनस थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है तो टी एट थीटा टी थीट नाइन थीटा लिखोगे तो टी एट थीटा जो होगी वो टू यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगी एंड टी एट नाइनटी माइनस थीटा विल बी टू यू साइन नाइनटी माइनस थीटा बाई जी उसको कॉस थीटा भी लिख सकते हो तो टू यू साइन थीटा बाई जी इंटू टू यू कॉस थीटा बाई जी तो ये हो जाएगा टू यू स्क्टा बाई जी होगा ही नहीं होगा क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो ना फोर यू स्क्वायर और उसके बाद साइन थीटा कॉस् थीटा बाई जी स्क्वायर तो इसको ऐसे लिख सकते हो फोर स्क्वायर में इसी चीज को अगर आप यहां पे लिखना चाहो एक और स्टेप तो एक टू को तो वहीं छोड़ दो एंड इन टू फिर लिखा हुआ है यू स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है टू साइन थीटा थीटा अपॉन जी स्क्वायर ये चीज लिखा हुआ आपके सामने ठीक है ना एंड टू साइन थीटा थीटा को साइन टू थीटा हम लिख पाते हैं तो ये लिखा हुआ टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी स्क्वायर ठीक है ना तो ये हमारे पास टी एट थीटा इंटू टी एट नाइनटी माइनस थीटा लिखा हुआ है ऑल्सो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है तो यू स्क्र साइन टू थीटा भाई जी ये फॉर्मूला रेंज का होता है ये हमारे पास इक्वेशन टू मान लो इसको इक्वेशन वन मान लो अब इक्वेशन टू में अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं टू से ऊपर टू से तो इस सेम हो जाएगा और नीचे g से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा यानी इक्वेशन टू को अगर मैं टू बाई जी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इक्वेशन वन में कन्वर्ट हो जाएगी तो इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू इंटू टू बाई जी इक्वेशन वन क्या लिखी हुई है तो टी एट थीटा इंटू टी एट नाइनटी माइनस थीटा और इक्वेशन टू क्या लिखी हुई है ठीक है ना तो इक्वेशन टू हमारे पास रेंज लिखी हुई है तो रेंज इंटू टू बाई जी लिखेंगे यानी कि टी एट थीटा इंटू टी एट नाइनटी माइनस थीटा इक्वल टू टू इंटू आर बाई जी ये कई बार रिजल्ट्स यूज होता है इसको आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है ना अब आगे और प्रोसीड कर कि रेंज मैक्सिमम कब होता है तो रेंज का फॉर्मुला को डिफ्रेंशिएट करो और इक्वल टू जीरो कर दो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी मिनिमम रेंज आपको पता है कब होता है जबकि 90 डिग्रीज पे सीधा ऊपर फेंक देते हो तो वहीं गिर जाती है तो मिनिमम रेंज इज जीरो एंगल नाइन्टी डिग्रीज होना चाहिए मैक्सिमम रेंज कर कैलकुलेट करने के लिए डी आर बाई डी थेटा इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने तो डिफरेंशिएट किया तो यहां पर हमारा जो आंसर आया डिफ्रेंशिएट करने के बाद दैट इज आंसर इज कॉस्ट टू थीटा इक्वल टू जीरो तो टू थीटा को नाइन्टी होना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट नाइन्टी जीरो होती है तो थीटा के वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्रीज यानी कि जो रेंज होती, हो, होती है वो तब मैक्सिमम होती है जबकि ग्राउंड से फोर्टी फाइव डिग्रीज पे फेंका जाए जैवलिन थ्रोअर जो होता है वो क्योंकि किसी हाइट से फेंकता है तो हाइट से फेंकता तो फोर्टी फाइव से थोड़ा कम एंगल से फेंकता बिल्कुल ग्राउंड से फेंकोगे तो रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए फोर्टी फाइव डिग्रीज पर फेंकना पड़ेगा ठीक है ना और रेंज मिनिमम कब होती है जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नाइन्टी डिग्रीज होता है ठीक है ना अब मैक्सिमम हाइट इज व्हेन रेंज इज मैक्सिमम ठीक है ना अब ये बोल रहा है कि जब रेंज मैक्सिमम होता है उस वक्त मैक्सिमम हाइट कितनी होती है ये चीज आपसे पूछ रहा है पहली बात की मैक्सिमम रेंज होती कितनी है तो मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी होती है ठीक है ना इस बात को यहां पर देखना इस चीज को यहाँ पर लिख दिया गया कि मैक्सिमम रेंज के लिए आप क्या लिखोगे यू स्क्र साइन टू थीटा बाई जी तो यू स्क्र साइन टू इन टू और थीटा की जगह पे 45 डिग्रीज बाई जी तो यू स्क्र साइन नाइनटी बाई जी और साइन नाइनटी वन हो जाएगा यानी यू स्क्र बाई जी तो मैक्सिमम रेंज तो हमारे पास क्या हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगी ठीक है ना एंड मैक्सिमम हाइट वेन रेंज इज मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम हाइट उस वक्त कितना होगा जब रेंज मैक्सिमम होगी और रेंज मैक्सिमम होती कितनी है यू स्क्वायर बाई जी ठीक है ना और इस वक्त मैक्सिमम हाइट ज्ञात करने के लिए आपको मैक्सिमम हाइट के फॉर्मुले में वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 45 डिग्रीज रखना पड़ेगा ठीक है ना तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्टा बाई टू जी होती है तो यहां लिखूंगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव बाई टू जी तो यहां से हमारा आंसर यू स्क्वायर बाई फोर जी आ गया यानी कि इस बात को समझना कि जब रेंज मैक्सिमम होती है तो उस वक्त जो मैक्सिमम हाइट होती है वो रेंज के चार गुना कम होती है मतलब

हम लोग आगे 100 मीटर फेंक सकते हैं तो उसको ऊपर कितना फेंक सकते हैं समझना अगर क्वेश्चन ऐसे बोले कि अगर किसी पार्टिकल को आगे 100 मीटर फेंक सकते हैं तो उसको ऊपर कितना फेंक सकते हैं तो उसको ऊपर 50 मीटर फेंक सकते हैं समझ रहे हो अगर 100 मीटर आगे फेंक सकते हो तो ऊपर कितना फेंक सकते हो पचास मीटर फेंक सकते हो सीधा ऊपर लेकिन वो जाएगी उस वक्त रेंज जीरो होगी लेकिन बोल रहा है कि जब आप किसी पार्टिकल को आगे सौ मीटर फेंक पाए उस वक्त उसने मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया होगा तो उस वक्त वो 25 मीटर अटेन किया होगा तो मैक्सिमम हाइट अटेन के एपसल्यूट मैक्सिमस बाई टू गेट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट इट इज आर मैक्स तो यही हमारा ग्रास ओपर वाला क्वेश्चन था जिसको मैं यहां पे अभी आपके लिए मेंशन कर रहा था इसको अभी बताता हूं आप लोगों को तो यहां पे बोला है कि ग्रास ओपर कैन जंप अप हाइट एच एक ग्रास ओपर है जो एच हाइट ऊपर कूद सकता है सीधा ऊपर तो आगे कितना जाएगा तो टू एच आगे कितना जाएगा टू एच जाएगा इस बात को समझना आप लोग अगर ऊपर एच जा सकता है तो आगे टू एच जाएगा लेकिन आगे टू एच जाने की प्रक्रिया में कितना उसने गेन किया होगा तो वो कितना आप लोग तो एक क्वेश्चन है कि अगर वो एच ऊपर जा सकता है तो आगे टू एच जा सकता है लेकिन जब वो आगे टू एच गया होगा उस वक्त उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रही होगी तो इट वुड है ठीक है ना तो इस बात को समझना आप लोग ये सब पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल हाइल तो यही भी चीज लिखा मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच अ जैवलिन थ्रोअर कैन थ्रो इट इज हंड्रेड मीटर्स एक जैवलिन थ्रोअर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो जैवलिन को थ्रो कर सकता है इट इज हंड्रेड मीटर्स डिटरमाइन द हाइट टू विच द जैवलिन राइजेस इन दिस केस तो जब वो हंड्रेड मीटर जैवलिन आगे जाती है उस वक्त कितनी ऊपर तक जाती है तो 25 मीटर आर मैक्स बाई फोर लेकिन बोले अगर आपसे ऐसा कि वो ऊपर ही कितना फेंक सकता है तो ऊपर वो 50 मीटर फेंक सकता है अगर उसको सीधा ऊपर फेंकना हुआ तो दो चीजें डिटरमाइन द हाइट टू विच द जैवलिन राइजेस इन दिस केस वेन इट इज गोइंग अपटिल द मैक्सिमम रेंज और फिर बोलता है डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो द जैवलिन इस बात को समझना तो मैक्सिमम हाइट टू विच 50 दैवलिन मैक्सिमम हाइट अगर वो फेंकेगा तो लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कितनी आगे गई है तो 25 मीटर आगे गई है ठीक है ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं यहां पे या नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारे पास एक रिलेशन है कि रिलेशन इन बिटवीन आर एंड एच मैक्स आर और एच मैक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है तो हम सिंपली फॉर्मुला लिख देंगे आर बाई एच मैक्स तो आर हमारे पास होती है यू स्क्र इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा बाइजी लिख सकते हो थीटा ठीक है ना डिवाइडेड बाई एच मैक्स होती है यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी तो यहाँ पे हमारे पास एक साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया तो आर बाई एच मैक्स जो है इसकी वैल्यू आ गई फोर कॉट थीटा तो आर इज इक्वल टू फोर एच मैक्स कॉट थीटा ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है

वो एन टाइम्स हो मैक्सिमम हाइट अटेंड के तो आपको किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा थीटा इक्वल ऑफ़ पे। अगर आप 45 डिग्री पे फेंकोगे तो अपने आप आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि जो मैक्स जो आर मैक्स होगी जो आर होगी वो एच मैक्स के चार गुना होगी अगर आप 45 डिग्री पे फेंक देते हो तो 45 इक्वल टू टेन इन वर्स ऑफ फोर बाई एन अब टेन को इधर लाओ तो टेन फोर्टी फाइव इक्वल टू फोर बाई एन टेन फोर्टी फाइव वन होती है तो यहां से एन इक्वल टू फोर हो जाएगा यानी कि जो रेंज होगी वो मैक्सिमम हाइट के चार गुना होगी अगर हम कहां फेंक देंगे उसको पैतालीस डिग्री पे फेंक देंगे और यही केस अभी मैं समझा ही रहा था पैतालीस डिग्री पे फेंकना यानी कि मैक्सिमम रेंज अटेन करना मैक्सिमम रेंज अटेंड करेंगे उस वक्त एच मैक्स जो होगी वो मैक्सिमम रेंज के चार गुना कम होगी ठीक है ना तो होपफुली ये सारी के सारी रिजल्ट आपको क्लियर है ठीक है ना अब ये बोल रहा है कि एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेंज की ही बात कर रहा है इसमें हाइट से कोई ये नहीं है हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हो तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आर मैक्स मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है यू स्क्वायर बाई जी होती है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि जो आर होनी चाहिए वो आर मैक्स बाई टू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूं क्वेश्चन बोल रहा रही बात आपको तो यानी कि यू स्क्वायर बाई टू जी होना चाहिए ये समझ रहे हो आप लोग तो यानी कि क्योंकि यू स्क्वायर बाई जी आर मैक्स है तो यानी कि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है आर का यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी उसको किसके बराबर होना पड़ेगा यू स्क्वायर बाई टू जी के जब हमने सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू पंद्रह डिग्री आई लेकिन जो रेंज पंद्रह डिग्री पे होती है वही रेंज तो कहां पे होती है सेवेंटी फाइव डिग्रीज पे भी होती है तो यहां पे दोनों रेंजेस क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी यानी थीटा जो पंद्रह डिग्री और या सेवेंटी फाइव डिग्रीज दोनों पे क्योंकि सेम थीटा होगा तो यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे अदर थीटा इक्वल टू फिफ्टीन डिग्रीज और सेवेंटी फाइव डिग्रीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था बहुत इजी सा क्वेश्चन था बिकॉज यूल हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट लेकिन कमेंट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं आया पता नहीं आप लोग सीरियसली वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आई डो नॉट नो ठीक है ना अब यहां पे नेक्स्ट चीज जो लिखी हुई है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है ना मैं स्पीड इस से इसलिए बता रहा हूं ये मैं समझना कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन पिछले एपिसोड में मैंने सॉल्व किया है सारा मैं धराधड़ रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि अब जो क्वेश्चन में हम लोग एंट्री लेंगे ताकि हम लोग का एक कनेक्शन बना रहे ठीक है, है ना तो इसमें डायरेक्ट मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं थीटा इक्वल टू तो क्या होता है टेन इनवर्स ऑफ फोर बाई एन होता है तो टैन इनवर्स ऑफ फोर बाई एन की जगह पे यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है टू रूट थ्री दिया हुआ है तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ फोर बाई टू रूट थ्री तो यहाँ टू से उधर टू फोर को काटो तो टू बच जाएगा ऊपर तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टू बाई रूट थ्री यानी कि थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टू बाई रूट थ्री और टू रूट थ्री और टू हो गया और रूट थ्री हो गई तो ये कितना हो जाएगा रूट सेवन हो जाएगा तो मतलब आपके ऑप्शन में आ सकते हैं तो थीटावल टू साइन इन वर्स ऑफ टू बाई रूट सेवन या तो थीटा की बात करोगे तो अंडर रूट थ्री बाई सेवन हो जाएगा मतलब अंडर रूट के अंदर ही थ्री और सेवन दोनों तो अंडर रूट थ्री बाई सेवन होगा तो थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अंड रूट ऑफ थ्री बाय सेवन हमारे आंसर आएंगे ठीक है ना तो चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन कर रहे हैं आगे प्रोसीड कर रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर ठीक है तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अब हम लोग अपने नॉर्मल स्पीड पे स्टडी कर रहे हैं क्योंकि यहां से हमें क्वेश्चन अब सॉल्व करना है ठीक है सो टूडेज लेक्चर बिगिंस फ्रॉम ओवर ईयर वो पिछला अब तक जो मैंने पढ़ाया वो एक रिवीजन था आपका वो जरूरी था ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ ठीक है अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे पिछले क्वेश्चन पिछले क्लास के मुकाबले तो ये जो क्वेश्चन है इट इज अ बुलेट विथ मजल वेलोसिटी मजल वेलोसिटी मतलब कि जिस वेलोसिटी से बंदूक की नाली से गोली निकलती है तो अ बुलेट विध मजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इज टू बी शॉर्ट एट एन इट इज टू बी शॉर्ट एट अ टारगेट थर्टी मीटर्स अवे इन द सेम हॉरिजोंटल लाइन मतलब कि आपको यहीं पर टारगेट को हिट करना है टारगेट आपका यहां पे है तो हाई हाउ हाई अब द टारगेट मस्ट द राइफल बी एम्ड सो दैट द बुलेट विल हिट द टारगेट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अगर आप लोगों में से किसी बच्चे ने गोली चलाई हो मतलब कि ऐसा नहीं बोल रहा किसी का मर्डर करने के लिए आपने चलाया हो बट हाँ अगर मेले वगैरह में गोली चलाई हो या तो अगर आप शूटिंग की प्रैक्टिस करते हो ठीक है ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है मतलब शूटिंग में हमारे ओलम्पिक्स सभी आ रही है टोक्यो ओलंपिक तो आपको पता है उसमें शूटिंग भी एक, एक स्पोर्ट एक, एक स्पोर्ट होता है ठीक है ना स्पोर्ट होता है जिसमें कि अभिनव बिंद्रा जो थे उन्होंने आ, शायद अभिनव बिंद्राई नाम था जिन्होंने शूटिंग में जीता था ठीक है ना राइफल में उसके पहले भी आ, जो हमारे डौ, आ, हर डॉक्टर राठौर जो है वो भी जीत चुके थे डॉक्टर राठौर शायद 2007 वाले में जीते थे और अभिनव नहीं अभिनव जीता था शायद 2007 या 2008 वाले ओलंपिक्स में तो इन सब बातों को मतलब कि कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन लोग ये लोग जब शूट करते हैं जब गोली चलाते हैं ठीक है ना तो राजवर्धन डॉक्टर वो जो राजवर्धन थे हमारे पास जो अभी मिलिट्री में भी थे वो और अभी हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे वो डॉक्टर राज, आ, राजवर्धन सिंह राठौर तो वो भी जीते थे तो ये लोग जब शूटिंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो लोग किसी हाइट पे एम करते हैं अगर मारना बिल्कुल सीधी लाइन पे है और सीधी लाइन पे अगर आप एम कर दोगे तो गोली झुक जाएगी ग्रेविटी की वजह से तो इसीलिए किसी लाइन पे सीधा ऊपर हिट करना होता है और ऊपर जब किसी लाइन पे एम करते हैं तो गोली जाकर के वहां लगती है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मंकी प्रॉब्लम कि अगर कोई मंकी आपके पास पेड़ पे बैठा हुआ है मान लीजिए कि हमारे पास पेड़ है ठीक है ना और पेड़ पे मान लीजिए कि कोई मंकी बैठा हुआ है ठीक है ना और अगर आप गोली मारते हो मंकी को अगर आप निशाना लगाते हो मंकी को यहां से ठीक है ना बंदूक हाथ में लेकर के एंड इफ यू एम एट द मंकी तो इस केस में अगर आपने मंकी पर ही निशाना लगाया मंकी को डायरेक्टली एम किया अगर आपने और मंकी अगर दूर है मान लो ठीक है ना इफ द मंकी इज फार बहुत नजदीक से तो गोली को ज्यादा झुकने का मौका नहीं मिलेगा लेकिन मंकी बहुत फार है और आपने मंकी पे निशाना लगाया तो आपकी गोली अगर मंकी वहीं रुका रह गया तो आपकी गोली जाके मंकी को नहीं लगेगी क्योंकि गोली जो है वो झुक जाएगी ऐसे कुछ झुक जाएगी तो गोली जो है मंकी को जाके नहीं लगेगी गोली मंकी को मारने के लिए आपको ऊपर एम करना पड़ेगा चाहिए गोली जाकर के कहा लगे मंकी को लगे ठीक है ना तो ये जो बुलेट है ठीक है ना दिस इज एमड लाइन ये एम्ड लाइन है अगर यह स्पेस होता स्पेस समझ रहा अंतरिक्ष में अगर गोली मार रहे होता तो सीधी चली जाती ठीक है ना लेकिन पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाय पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाय बुलेट ठीक है ना ये एक्चुअल पैराबोलिक पाथ जो होगी एक्चुअल पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाय बुलेट वो कुछ यू होगी वो ऐसे बुलेट जो है वो झुक जाएगी ठीक है ना बंकी को जाके नहीं लगेगी अगर मंकी वहीं बैठा रह गया तो तो इसीलिए आपको एम कहां करना होता है ठीक है ना तो आपको एम कहीं ऊपर करना पड़ेगा तो ऊपर जब एम करोगे तो गोली जाकर के कहां लगेगी मंकी को लगेगी तो थोड़ा सा आपको एक्चुअली ऊपर एम करना होता है सो तो आपका जो एम्ड लाइन है वो कहीं ऊपर होनी चाहिए ताकि जाकर के कहा लगे गोली मंकी को जाकर के लगे ठीक है ना लेकिन ये तो ध्यान है कि जब मंकी स्टेशनरी रहा जब मंकी स्टेशनरी रहा तो गोली उसको नहीं लगेगी लेकिन मंकी अगर घबरा के उसी इंस्टेंस पे कूद गया जबकि आपने गोली चलाई तो मंकी को गोली लगेगी ही लगेगी अगर आपने उसको एम करके गोली चलाई है ये समझ रहे हो अगर आपने मंकी को एम करके यहां पे मंकी बैठा हुआ है और अगर आपने मंकी को एम करके गोली चलाई वाकई में मत चला देना गोली जानवरों को भी मारना अपराधी है ठीक है ना बट दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ फिजिक्स कि आपने एक्चुअली में मंकी को एम करके गोली चलाई है पर ग्रेविटी की वजह से आपकी गोली झुक गई लेकिन उसी वक्त राइट एट द इंस्टेंस ऑफ फायर अगर मंकी कूद गया नीचे राइट एट द इंस्टेंस ऑफ फायर अगर मंकी नीचे कूद गया तो जितनी गोली डिप हुई है ग्रेविटी की वजह से उतना ही मंकी भी नीचे आया होगा जितनी गोली डिप हुई है ग्रेविटी की वजह से उतना ही मंकी भी नीचे आया होगा और उस केस में हो क्या रहा है कि गोली मंकी को लगेगी ही लगेगी ठीक है ना तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है ठीक है ना इस चीज को मैं लिख देता हूं इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना आप लोग ठीक है ना इफ द बुलेट इफ द बुलेट Is aimed at the monkey. If the bullet is aimed at the monkey and fired. And if the monkey, if the monkey remains stationary, agar monkey jump So if the monkey remains at the same place, at the same place, then the bullet will देन द बुलेट विल नॉट हिट द मंकी बिकॉज द बुलेट विल डिप डाउन बिकॉज द बुलेट विल डिप ड्यू टू ग्रेविटी डिप कहां से डिप हो जाएगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लाइन डिप फ्रॉम इट्स ओरिजिनल एम्ड लाइन ओरिजिनल एम्ड लाइन ओरिजिनल एम्ड लाइन से डिप हो जाएगी क्यों डिप होगी ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है ना लेकिन अगर मान लीजिए कि मंकी जो है वो भी उसी वक्त कूद गया मंकी अगर स्टेशनरी रहा तब तो नहीं हिट करेगी इसीलिए जो प्रेशर सिचुएशन होते हैं उसमें धैर्य बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये मंकी वाला एग्जाम्पल यह बात आपको बता रहा है कि मंकी नहीं कूदेगा तब तो बुलेट हिट नहीं करेगी लेकिन मान लीजिए कि मंकी कूद जाता है ठीक है ना बट इफ द मंकी जम्प्स ठीक है ना इस बात को ध्यान रखना है कि बट इफ द मंकी जम्प्स जम्प्स मतलब कि लीव्स द ब्रांच ठीक है ना इफ द मंकी जम्प्स जस्ट एट द इंस्टेंस ऑफ फायर जस्ट एट द इंस्टेंस ऑफ फायर ठीक है ना इंस्टेंस ऑफ फायर

As the vertical fall distance by monkey, as the vertical fall distance by monkey at every instance, as the vertical fall distance, fall distance by the monkey at every instance, and therefore, and therefore, the bullet will.

कि अगर आपने गोली चलाई मंकी को एम करते हुए और मंकी नहीं कूदा आपने मंकी को एम करते हुए गोली चलाई और मंकी नहीं कूदा तो गोली नीचे से निकल जाएगी और मंकी को नहीं लगेगी लेकिन अगर आपने मंकी को एम करते हुए गोली चलाई और उसी वक्त मंकी कूद गया नीचे तो उस केस में जितनी गोली डिप होगी उतना ही मंकी भी नीचे आएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की मतलब जो डिप है ग्रेविटी की वजह से दोनों की जो डिप होगी वो सेम ही होगी दोनों पे सेम ग्रेविटी एक्ट कर रही है सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इस केस में इसलिए गोली जाकर के मंकी को लगेगी ही लगेगी ठीक है ना तो इस बात को आपको समझना है ठीक है ना तो होपफुली ये वाला जो सिचुएशन है ये क्लियर है आप लोगों को तो इस केस में जो हमारी आम, इस केस में जो मंकी है उसको डेफिनेटली बुलेट लगेगी ही लगेगी ओके तो किसी भी अगर मान लो स्टेशनरी टारगेट को आपको हिट करना मान लो स्टेशनरी मंकी है अगर आपको इसको हिट करना है तो स्टेशनरी मंकी को हिट करते वक्त आप ध्यान रखना कि डायरेक्टली उस पर एम नहीं करना होता है आपको ऊपर एम करना होता है थोड़ा सा तो जब आपकी एम ऑफ फायर ऊपर होगी तो डिप होकर के जाकर के वहां लेगी इसलिए कई बार आम वगैरह तोड़ते वक्त आम पे निशाना ले लिया जाता थोड़ा ऊपर निशाना लिया जाता है जो गुलेल वगैरह चलाते होंगे बच्चे जो गांव के होंगे उनको पता होगा कि डायरेक्टली अगर आप गुलेल से आम पे एम करोगे तो आम नहीं टूटेगा आम को तोड़ने के लिए आपको गुलेल को थोड़ा सा आम से ऊपर एम करना पड़ेगा ताकि जो प, पत्थर है वो पाथ फॉलो करता हुआ जाकर के उसको आ, स्ट्राइक करे ठीक है ना तो स्लिंग शॉट कहलाती है खैर गुलेल जो होती है ठीक है ना तो इस बात को हमें ध्यान रखना और इसी का रेफरेंस था पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई आपको कि अब बुलेट विथ अजल वेलॉसिटी हंड्रेड मीटर पर सेकेंड इज टू बी शॉर्ट एट अ टारगेट 30 मीटर अवे तो यहां पर रेंज उसने पहले बता दिया है तो रेंज की जो वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में ठीक है ना रेंज तो रेंज इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है थर्टी यानी कि देअर फोर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी मतलब कि आपने रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो तो यू स्क्र साइन टू थीटा बाई जी इसकी वैल्यू थर्टी आ गई है थर्टी मीटर्स दिया हुआ है इनफैक्ट ठीक है ना और यू भी दिया हुआ है यू इज हंड्रेड मीटर पर सेकेंड तो इसको उधर ले जाऊंगा तो थ्री हंड्रेड हो जाएगा तो साइन टू थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी देयर फोर साइन टू थीटा तो इट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड 100, हंड्रेड हंड्रेड स्क्वायर है ना तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो काट दो यहां से तो इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो साइन टू थीटा की वैल्यू आ रही है 0.03 और एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पन होता है फिजिक्स में जो ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन थीटा इज स्मॉल जबकि थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल होती है तो उस वक्त साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन जबकि थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल होती है और यहां पे थीटा बहुत ज्यादा मतलब साइन थीटा जब बहुत ज्यादा स्मॉल होती है थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल होती है अब इस चीज को समझो तो यहां पे साइन टू थीटा की वैल्यू क्योंकि 0.03 आई है इसका मतलब थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो देरफोर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफोर साइन टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन टू थीटा इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टू थीटा इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल आई है इसलिए तो देयर फोर टू थीटा क्योंकि जीरो पॉइंट जीरो थ्री है या आप वैसे बोल सकते हो tan टू थीटा tan टू थीटा इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री है या आप ऐसे भी बोल सकते हो टू थीटा जीरो पॉइंट जीरो थ्री है तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी इट इज जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव ठीक है ना टू थीटा जीरो पॉइंट जीरो थ्री है तो थीटा की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो आ जाएगी बहुत छोटी है तो देरफोर टैन थीटा की भी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी जीरो पॉइंटिमेशन आप, आपको पता होना चाहिए तो टैन थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव ठीक है ना अब यहां पर देखिए कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो टैन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है दिस इज आवर परपेंडिकुलर ठीक है ना और ये जो है हमारे पास ये बेस है तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा टैन थीटा होता है और टैन थीटा जीरो, जीरो आया हुआ है तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है और यही आपसे पूछ भी रहा है और बेस 30 है तो किस हाइट पे बोल रहा है हाउ हाई हाँ अब द टारगेट तो इस परपेंडिकुलर को मान लो कि मैं बोल रहा हूं तो वाई डिस्टेंस तो y डिवाइडेड बाई बेस जो है वो 30 मीटर गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू जीरो So, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 30 इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर्टी फाइव सेंटीमीटर आ गया 30 मीटर है ना तो 30 मीटर इंटू जीरो पॉइंट जीरो कि फाइव सेंटीमीटर आ गया यानी कि 30 मीटर आगे अगर किसी टारगेट को आपको हिट करना है किसी के बिल्कुल सिर में गोली मारनी है तो आपको गोली को बिल्कुल सिर पे एम करके नहीं मारना लगभग आधा मीटर ऊपर एम करके चलाना पड़ेगा ताकि गोली जाकर के कहां लगे उसके सिर में लगे होपफुली ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को okay? ओके तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ठीक है सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर

और VB के जो वर्टिकल इसको आप बोल सकते हो VA Y क्या बोल सकते हो VA Y तो VA Y है VA sin थीटा है और VB Y जो हो जाएगी VB Y तो उसकी वैल्यू हो जाएगी VB sin थीटा B ये ध्यान देने वाली है तो VA Y VA sin थीटा A एंड VB Y जो हो जाएगी वो VB sin थीटा B हो जाएगी और ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि VA sin थीटा A जो है टा ए इसको किसके बराबर होना होगा वी बी साइन थीटा बी के बराबर होना होगा तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे यहां पे वी ए बाई वी बी जो हो जाएगी वी ए बाई वी बी सो इट इज इक्वल टू साइन थीटा बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा ए इस बात को ध्यान रखना है कि वी ए बाई वी बी यहां से क्या आ जाएगी आपके पास साइन थीटा बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है. इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन के लिए यह वाला जो रिजल्ट है इसको हमें क्योंकि आगे अप्लाई करना है से आवर इक्वेशन नंबर अब आपसे क्या बोल रहा है कि इन सच मैन दैट वर्टिकल ऑफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर सेम फाइंड द रेशियो रेंज ठीक है ना रेंज की रेशियो अच्छा रेंज का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला हालांकि बताया था अभी फिलहाल जो रेंज का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग एक और मैनर में लिख सकते हैं कि रेंज इक्वल टू टू इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी इसीलिए तो पूरा रिवाइज कराया आपको अभी तो रेंज इक्वल टू टू इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी ये होती है तो अगर आप लोग लिखोगे आर ए बाई आर बी क्या लिखते हो आर ए बाई आर बी तो टू इंटू यू एक्स या ऐसे लिख सकते हो वी एक्स इंटू वी ए वाई बाई जी आर ए के लिए अपॉन आर बी के लिए क्या लिखेंगे तो टू इंटू वीबीएक्स इंटू वी बी वाई बाई जी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर ए बाई आर बी दिस इज आर ए बाई आर बी तो यहां पे कैंसिल क्या क्या हो गया तो यहां पे आप देख सकते हो जो चीजें कैंसिल एक तो टू कैंसिल आउट हो गया एक जी कैंसिल आउट हो गया तो आर ए बाई आरबी को मैं कुल मिलाकर के क्या लिख सकता हूं ऊपर लिखा है हमारे पास वी एक्स इन टू फिर क्या लिखा हुआ है? वी ए वाई और फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? वी बी एक्स इन टू वी बी वाई लेकिन क्वेश्चन ने आपको पहले ही यह बात बताया है कि दोनों के जो हमारे पास वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो सेम है यानी कि वी वाई जो है वो वी बी वाई के बराबर है तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसल आउट हो गए तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है ठीक है इसको मैं इधर खिसका देता हूं ठीक है तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है हमारे पास आर ए बाई आर बी जो हो जाएगी आरए बाई आर बी सो इट इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइडेड बाई वी बी एक्स ये हो जाएगी आर ए बाई आर बी ठीक है वीए एक्स डिवाइडेड बाई वी बी एक्स ठीक है तो वी एक्स जो है देआर फोर आर ए बाई आर बी अगर मैं लिखूं यहां पे तो वी ए एक्स जो है उसकी जगह पे आप लोगों को यहां पर फीड करना पड़ेगा वीए एक्स की वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी वी ए कॉस्ट हीटा हो गया नहीं होगी वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा एंड अपॉन RB की जगह पे आप लोग क्या फीड करोगे cos थीटा लेकिन VA वी बाई वीबी पहले ही हमें पता है VA वी बाई वीबी क्या हमारे पास या cos थीटा ये वी ए कॉस् थीटा ए होगा और ये cos थीटा बी क्योंकि इनकी जो एंगल है अब जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है साइन थीटा बी बाई साइन थीटा है वो लिखी हुई है साइन की जगह पे लिखूंगा एंड इन टू कॉस्टा ए बाई कॉस्टा बी जो पहले से यहां पर लिखा हुआ कॉस थीटा ए बाई कॉस थीटा बी तो आप देखो साइन थीटा बी बाई कॉस थीटा भी ये तो टैन थीटा बी हो गई और साइन थीटा यानी ये देखो कुल मिलाकर के क्या लिखा हुआ है आपके सामने आर ए बाई आर बी ठीक है ना सो देयर फोर हम लोग इसको लिख देते हैं फाइनली तो देर फोर आर ए बाई आर बी जो आएगी हमारे पास ठीक है ना आर ए डिवाइडेड बाई आर बी सो इट इज इक्वल टू टैन थीटा बी डिवाइडेड बाई टैन थीटा ए क्यों क्योंकि यहां पे देखो आर ए बाई आर बी हमारे पास क्या हो जाएगी तो ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा बी और बाई कॉस थीटा बी ठीक है ना और नीचे हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा ए और इस थीटा ए को यहां से मैं नीचे ले आ सकता हूं इसके तो डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ए तो ऊपर लिखा हुआ है टेन थीटा बी और नीचे लिखा हुआ टेन थीटा ए तो देर फोर आर ए बाई आर बी इज टेन थीटा बी बाई टेन थीटा सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है ना तो इसीलिए आज हम लोग कल के मुकाबले थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं और इसीलिए मैंने पहले पूरा आज के एपिसोड में इसको रिवाइज किया है ठीक है ना सो टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन सच अ मैनर दट वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ देयर इनिशियल वेलासिटीज आर सेम फाइंड द रेशियो ऑफ द रेंजेस सो रेशियो ऑफ द रेंजेस इन दिस डायग्राम विल बी टैन थीटा बी बाय टैन थीटा है ठीक है ना मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीन ले पाओ ठीक है सो so, होपफुली ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लियर है आप लोगों को अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़ क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़